स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। हरिद्वार के ब्लॉक भाद्राबाद के क्षेत्र गाढ़ मीरपुर में पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद में लाठी डंडे चलने से दोनों पक्षों से दो महिलाओं समेत छह लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा कर पूरा मामला शांत करा दिया। उत्तराखंड में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक चार धाम यात्रा को पूरी तरह से खोलने के पक्ष में अब यूपी के सांसद साक्षी महाराज भी सामने आ गए हैं। उन्होंने सरकार से देश दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था और उनकी मांग को देखते हुए जल्द से जल्द चार धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। साक्षी महाराज का मानना है कि महामारी अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह। महामारी से बचाव करते हुए आस्था को ठेस न पहुंचे, सरकार को इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है। बस खुलने का समय है तो मैं सरकार से, प्रदेश की से और अपने केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा, हस्तक्षेप करके आस्थावान लोगों की भावना का सम्मान करें, तत्काल प्रभाव से कड़े नियमों के साथ ही सही या जत्था बना करके किसी तरह से इस यात्रा को खुलना चाहिए। क्योंकि दो महीने के लिए तो यात्रा खुलती है, बाद में दो तीन महीने फिर बंद हो जाती है। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की यहाँ कांग्रेस सरकार होती थी, तब भी हम लोग कहते थे किसी को भी आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अपनी सरकार से हमारा आग्रह यही है कि आस्थावान हिंदुओं का, जिनका चार धाम में बहुत अटूट श्रद्धा है, उनका सम्मान करें और तत्काल कोई नियम कानून बना करके इस यात्रा को खोलना चाहिए। ऋषिकेश में मुनि की रेती के पूर्णानंद इंटर कॉलेज में लगे वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे दो युवकों ने डॉक्टर से गाली गलौज करते हुए मारपीट की। दरअसल वैक्सीन लगवाने गए दोनों युवकों का ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं था, जिसके चलते डॉक्टर ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था, जिससे गुस्साए युवकों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर ली है। उत्तराखंड में पौड़ी में कोरोना काल में गरीब और असहाय लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पौड़ी पुलिस के चलाए गए मिशन कम्युनिटी बास्केट पहल से प्रेरित होकर लेंसडाउन के छात्र संगठन ने भी गांव-गांव तक कोरोना के दौर में जरूरी राहत सामग्री को पहुंचाकर गरीबों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। पुलिस को भी छात्र संगठन की मदद से काफी राहत मिल रही है। वहीं छात्र पुलिस के इस अभियान से इतने प्रेरित हुए हैं कि छात्रों ने पुलिस के गांव-गांव तक चले इस अभियान पर एक प्रेजेंटेशन तक तैयार कर डाली। कोविड के दौरान यहाँ पर पौड़ी पुलिस द्वारा हमने कम्युनिटी बास्केट वाला सिस्टम यहाँ पर शुरू किया था। उसमें हर थाना में हमने बास्केट रखा था, उसमें किसके पास सामान है वो वहाँ पर डाल देते हैं और किसको जरूरत है उसको पुलिस द्वारा उस सामान को उनके घर तक पहुँचाया है। इससे इंस्पायर होके हमारा लैंसडाउन में यूथ पावर ग्रुप ऑफ लैंसडाउन तो ये वहाँ पर यूथ ग्रुप है, उन्होंने इसमें बहुत इंस्पायर होके इसमें एक प्रेजेंटेशन के रूप में हमारा पौड़ी पुलिस द्वारा क्या क्या काम किया है उसके एक प्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने बनाया है। हरिद्वार के खन्ना नगर कॉलोनी में चैम्बर के ढक्कन चोरी करने का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक गलियों में पूरे दिन कबाड़ी घूमते रहते हैं, जिन पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने आयुर प्लांट अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पतंजलि योगपीठ के सहयोग से हरिद्वार के हर घर में गिलोय, तुलसी और एलोवेरा के पौधों को पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है। वहीं आज पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और ललित नारायण मिश्र ने 20 सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को पौधे भी बांटे। हम लोग अक्सर गमले का प्रयोग करते हैं और गमलों में कुछ पौधे उगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हर घर में कुछ औषधीय पौधे रहेंगे, जैसे एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया और तुलसी वगैरह हो गई, तो उसका लाभ भी हमें हमारे स्वास्थ्य पर मिलता रहेगा और हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करेगा। इसीलिए आज हरिद्वार में HRDA के माध्यम से और जिसमें हमें पतंजलि का सहयोग मिला है, हमने आयुर प्लांट अभियान शुरू किया है। हमारा उद्देश्य है कि हर घर में हम औषधीय पौधे पहुंचा दें, जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और उनको एक बेहतर जीवन मिले।
कोटद्वार कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सरकार पर आरोप लगाया है। दरअसल सुरेंद्र सिंह ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी से मृत्यु दर बढ़ी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। केंद्र और प्रदेश सरकार अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं तो आज कोरोना से मरने वालों की संख्या नहीं बढ़ती। देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां अभी तक कहीं छिड़काव नहीं हुआ, कोरोना की महामारी हालांकि नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी हम सभी जगह चाहते हैं कि हमारे द्वारा छिड़काव हो जाए और सभी जगह पे किसी भी प्रकार से कोरोना की स्थिति दोबारा भयावह ना हो तो घर घर जाके हम सैनिटाइज करें। ऋषिकेश एम्स ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के इलाज के लिए नर्सिंग स्टाफ को एडवांस ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए 100 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी 100 बेड्स प्लान कर लिए हैं, जिसमें से 50 बेड्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर को डिवोट होंगे। उसमें PICU बनाया जाएगा बड़े बच्चों के लिए और NICU जो कि एक महीने के अंदर के जिनकी उम्र होती है ऐसे बच्चों के लिए बनाया जाएगा। तो 50 बेड हमने कहना होगा कि ICU के लिए डिवोट किए हैं और बाकी 50 बेड हमारे ऑक्सीजन बेड्स हैं। इन बेड्स की ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। इनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स और बाकी और जो इम्पोर्टेंट ट्रांसफ्यूजन के इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे ही प्लान कर लिए गए हैं, ऑर्गेनाइज कर लिए गए हैं। लालको में BJP के पदाधिकारियों ने विधानसभा में जगह जगह कार्यक्रम कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के तहत यहां बंगाली कॉलोनी स्थित काली मंदिर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचते ही BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद नहीं हुए, हम उनको बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेकर के उनको चलती है, चूँकि उन्होंने इस देश को जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, जो कांग्रेस ने इस देश का राज्यों से लेकर के पूरा देश का जो बेड़ा गर्क करने का काम शुरू किया था, जो तुष्टिकरण की राजनीति की थी, उनके खिलाफ इन्होंने इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए नेहरू की सरकार में उन्होंने उसको त्यागपत्र देकर के जेल में जाकर के बैठ जाने, उनको पता था कि कांग्रेस पार्टी मेरी हत्या भी करेगी, उनको पता था कांग्रेस पार्टी जेल में डालेगी मेरी हत्या भी करेगी, फिर भी उन्होंने, चूँकि देश हमारे देश ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था, हमारे देश के टुकड़े कांग्रेस ने करवा दिए, पाकिस्तान बनवा दिया, अन्य देश बनवा दिए, लेकिन जो देश बचा है वो किसी तरह सुरक्षित रह जाए, यही हमारे इस डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में हम इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने ही एक एक व्यक्ति को जागृत करके आज इतनी बड़ी विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।